नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्रा योजना युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आसानी से ऋण देकर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से 17,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई। और राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में ग्रुप डी को समाप्त कर इसे ग्रुप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना से उन युवाओं, महिलाओं और लोगों को नए अवसर मिले हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना कई गुना रोजगार बढ़ाने का काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थियों को 6 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा ऋण बांटे गए हैं। इस देश में कुल 25-27 करोड़ परिवार हैं। 25-27 करोड़ परिवारों के बीच अगर 12 करोड़ लोन स्वीकृत होती है, इतने कम समय में होती है, बिचौलियों के बिना होती है, गारंटी के बिना होती है और लोन भी कम नहीं, कुल मिलाकर करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया इन लोगों के हाथ में दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75% ऋण युवाओं और महिलाओं को दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आसानी से ऋण मिला है। मुद्रा योजना के तहत 55% पिछड़े समाज के व्यक्तियों को दिए गए, यानी कुल 12 करोड़ लोन में से 55% लोन एसटी, एससी और ओबीसी समाज के युवाओं को, हमारी महिलाओं को मिला। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने समर्थन के लिए संपर्क अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने दिल्ली में पूर्व सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग के निवास स्थान से इसकी शुरुआत की है। अभियान के तहत श्री शाह ने कम से कम 50 लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से लेकर पंचायत सदस्यों सहित भाजपा के लगभग 4,000 कार्यकर्ता देश भर में 1 लाख ऐसे लोगों से भी संपर्क करेंगे जो सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगले वर्ष लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर समर्थन के लिए संपर्क अभियान आरंभ किया है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर 2,62,00,000 जाली राशन कार्ड का पता चला है। श्री पासवान ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड को आधार से जोड़ने पर लगभग 12 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया है और सही लोगों को सस्ते दर पर अनाज देने की योजना का लाभ मिल रहा है। इससे लगभग 17,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्री पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 1 जून 2019 तक 1 रुपए प्रति किलो की दर से मोटा अनाज, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरौनी और सिंदरी के रासायनिक खाद कारखाने को फिर से चालू करने का काम जल्द शुरू होगा। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने आज कहा कि मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों का विकास हुआ है। श्री मंडाविया ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने पर तेजी से काम हो रहा है और 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 22 करोड़ परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में ग्रुप डी को समाप्त कर इसे ग्रुप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के फैसले पर मुहर लगा दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी के परिणाम स्वरूप राज्य की सेवाओं और पदों का फिर से वर्गीकरण किया गया है। कैबिनेट ने पीएमसीएच में किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने के लिए ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी विभाग में विभिन्न स्तर के 88 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल रात आंधी पानी और वज्रपात की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। औरंगाबाद और गया में सबसे अधिक 10 लोगों की मौत हुई है। मुंगेर और कटिहार में 8 जबकि नवादा तथा शेखपुरा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रोहतास जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी पानी और वज्रपात की घटनाओं में जानमाल के भारी नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न हादसों में मारे गए लोगों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलापुर गांव में विषाक्त भोजन खाने से आज एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चों ने एक दुकान से लड्डू खरीदकर खाया था, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की इस वर्ष की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 87% छात्र सफल हुए हैं। आज जारी परिणाम में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का सफलता का प्रतिशत 88.32 रहा है, जबकि 85.67% लड़कों ने सफलता प्राप्त की है। इस बार 4 परीक्षार्थियों प्रखर मित्तल, रिमझिम अग्रवाल, श्री लक्ष्मी और नंदनी गर्ग ने संयुक्त रूप से देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। श्री कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वहीं बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई विभागों के प्रधान सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। शशि शेखर शर्मा नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं। मयंक बड़बड़े को दरभंगा प्रमंडल जबकि TN विंदेश्वरी को मगध प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। कोसी प्रमंडल के आयुक्त सफीना AN को पूर्णिया प्रमंडल के कमिश्नर का प्रभार दिया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों तथा कर्मियों के वेतन भुगतान में विलंब पर नाराजगी जताई है। आज राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री मलिक ने कर्मियों के सेवांत लाभ के मामलों का निष्पादन और भुगतान सही समय पर करने को कहा है। राज्यपाल ने अधिकारियों को BEd पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा को सफल बनाने के निर्देश दिए। कटिहार जिले के शरीफगंज इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में एक बच्चे को निर्ममता से पीटने के मामले में पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर जिले में स्कूली छात्र के अपहरण, थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी देने और फर्जी अपहरण कांड को अंजाम देने के आरोप में 10 लोगों को जेल भेज दिया गया है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 218 बोरा चावल जब्त किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गया कोडरमा रेलखंड के मानपुर जंक्शन के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव के कारण सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के 5 यात्री घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुद्रा योजना युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आसानी से ऋण देकर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से 17,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई। और राज्य सरकार ने सरकारी सेवा में ग्रुप डी को समाप्त कर इसे ग्रुप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।